किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी हैं, कौन सी कम बिकी है, कौन सी ज्यादा बिकी है, ये डेटा तो आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाता होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरी दुनिया में किस कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। ये डेटा आपको हर किसी जगह नहीं मिलने वाला। पूरी दुनिया में या फिर भारत में काम करने वाली हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का डेटा तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन आपको इस वीडियो में लगभग हर किसी कंपनी का डेटा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने 2020 में 4079 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो ये लगभग 3500 करोड़ रुपए होते हैं। 2020 आधे से ज्यादा तो कोरोना में निकल गया, यही वजह है कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गाड़ियां काफी कम बिक पाई। हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का घाटा हुआ था 2020 में। टाटा मोटर्स की बात करें तो 2019 के कंपैरिजन में ये 40% रेवेन्यू कम जनरेट कर पाई थी। इसके बाद 24th पोजीशन पर है एनहुई जिंगवाई ऑटो। ये नाम से ही चाइनीज लग रही है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इस कंपनी ने 2020 में 5337 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 4500 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद 23rd पोजीशन पर आई है गीली ऑटोमोबाइल्स। इसके नाम पर मत जाना, ये भी एक चाइनीज कंपनी है। इस कंपनी ने 2020 में 11477 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 10000 करोड़ रुपए होते हैं। मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूँ, इसलिए इंडियन करेंसी में जो वैल्यू कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ वो आप भी एक बार अपने लेवल पर क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है मित्सुबिशी, जो कि एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है। इस कंपनी ने 12273 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 36% कम है। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 11500 करोड़ रुपए होते हैं। 21st पोजीशन पर है ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना। इस कंपनी ने 12872 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लगभग 11000 करोड़ रुपए होते हैं। ये कंपनी इंडिया आने वाली थी 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में। इस कंपनी ने इंडिया में अपनी गाड़ियों को शोकेस भी किया था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना की वजह से बॉर्डर्स पर थोड़ा तनाव बढ़ गया, और तब से लेकर अब तक इसके आने का कोई भी प्लान कन्फर्म अभी तक नहीं हो पा रहा है। 20th पोजीशन पर आई है Isuzu Motors Limited। इस कंपनी ने 14747 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 13000 करोड़ रुपए होते हैं। इस कंपनी ने ग्लोबली चाहे कितनी भी गाड़ियां क्यों ना लॉन्च कर रखी हों, उनका सेल्स फिगर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इंडिया में इस कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, और वो भी अपडेट करने में BS4 से BS6 में इन्होंने 1 साल लगा दिया। 19th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसने लगभग 20640 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 में, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 28% कम है। इंडियन करेंसी के हिसाब से बात की जाए तो ये लगभग 17500 करोड़ रुपए होते हैं। 18th पोजीशन पर है माजदा मोटर कॉरपोरेशन, जिसने 22347 यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 19000 करोड़ रुपए होते हैं। इस कंपनी के 1 से 1 प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनमें से कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो इंडिया में भी काफ़ी कमाल कर सकती हैं, लेकिन ये कंपनी अभी तक ना तो इंडिया आई है और ना ही इसके आने का कोई प्लान है। 17th पोजीशन पर है Subaru Corporation। ये भी एक जापानीज कंपनी ही है। इसने लगभग 23143 यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो लगभग 20000 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। इस कंपनी के पास भी 1 से 1 गाड़ियां हैं जो इंडियन मार्केट में काफी धमाल मचा सकती हैं, लेकिन ये अभी तक इंडिया में आई नहीं है। अगर आप इसी तरह की और भी कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो अगर इंडिया आ जाए तो बाकियों के होश उड़ा देंगी, तो स्क्रीन के ऊपर आदि लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद 16th पोजीशन पर है Suzuki Motor Corporation। ये भी एक जापानीज कंपनी ही है, और इंडिया में ये मारुति के साथ मिलकर काम करती है। इस कंपनी ने 23959 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लगभग 21000 करोड़ रुपए होते हैं। 2019 के कंपैरिजन में ये लगभग 19% कम है। Suzuki भले ही एक जापानीज कंपनी क्यों ना हो, लेकिन इनकी होम कंट्री से ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। 15th पोजीशन पर है टेस्ला। इस कंपनी के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं
वो काफी पॉपुलर है। 2020 में इस कंपनी ने 25,649 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 22,000 करोड़ रुपए होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को तगड़ा घाटा हुआ है, लेकिन टेस्ला इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 2019 के कंपैरिजन में 17% रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया है। और इस कंपनी का रेवेन्यू हर साल लगातार बढ़ना ही है, क्योंकि आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है और इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड हैं समय के हिसाब से। इसके बाद 14th पोजीशन पर है वॉल्वो कार ग्रुप, जिसने 26,081 मिलियन यूरो की कमाई की है, जो लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 23,500 करोड़ रुपए होते हैं। 13th पोजीशन पर है रेनो ग्रुप, जिसने 43,474 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 में, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 37,500 करोड़ रुपए होते हैं। 2019 के कंपैरिजन में 22% रेवेन्यू इनका कम जनरेट हो पाया है। पिछले कुछ समय में रेनो ने इंडियन कस्टमर्स को समझना शुरू कर दिया है और एक आध दो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं, जिसकी वजह से इसकी गाड़ियों की सेल्स का काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 12th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स कॉरपोरेशन, इसने 44,213 मिलियन यूरो की रेवेन्यू जनरेट की है 2020 में। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 38,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर कॉरपोरेशन, इसने 2020 में 60,642 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 52,000 करोड़ रुपीस होते हैं। इसके बाद 10th पोजीशन पर है PSA ग्रुप, इस ग्रुप का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, असल में प्यूजाओ SA इसका पूरा नाम है। ये एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसकी और भी सब ब्रांड्स हैं जैसे कि प्यूजाओ, सिट्रन, DS, ओपेल और वॉक्सहॉल। इस कंपनी ने लगभग 60,734 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 52,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद 9th पोजीशन पर है हुंडई मोटर कंपनी, जिसने 77,711 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 68,000 करोड़ रुपए होते हैं। 2019 के कंपैरिजन में इसने सिर्फ 6% का रेवेन्यू कम जनरेट किया है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स, जिसने 86,676 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए होते हैं। हाल फिलहाल तो ये कंपनी इंडिया में बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी सब ब्रांड जीप इंडिया में अभी भी काम कर रही है। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर कॉरपोरेशन, जिसने 93,737 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 81,000 करोड़ रुपए होते हैं। होंडा की गाड़ियां पूरी दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो यहां पर यह काफी कम प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद काफी समय लगा देता है उनको अपडेट करने में। इसके बाद 6th पोजीशन पर है BMW ग्रुप, जिसने 98,990 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 86,000 करोड़ रुपए होते हैं। मिनी ब्रांड और रोल्स रॉयस जैसी ब्रांड भी BMW ग्रुप में ही आ जाती हैं। जो लोग पहले नहीं सुन पाए थे उनको मैं वापस से बता दूं कि मेरी मैथ्स थोड़ी खराब है, इसलिए जो इंडियन करेंसी में प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूं उसको आप एक बार अपने लेवल पर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 5th पोजीशन पर है जनरल मोटर कंपनी, जिसने 99,619 मिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 86,500 करोड़ रुपए होते हैं। इस ग्रुप के अंदर शेवरोले, ब्यूक, GMC और कैडिलैक जैसी कंपनियां भी काम करती हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो शेवरोले इंडिया में भी हुआ करती थी, लेकिन कम सेल्स के चलते इंडिया छोड़कर चले गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आज शेवरोले इंडिया में होती तो उसकी कौन कौन सी गाड़ियां भारतीय सड़कों पर दौड़ रही होती, तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 4th पोजीशन पर है फोर्ड, जिसने 1,03,408 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 में पूरी दुनिया में। यहां देखो भाई, फोर्ड इंडिया में एक नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको अपडेट तक नहीं कर रहा, वहीं दुनिया भर में अनाप शनाप पैसे कमा रहा है। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग इसने 2020 में 90,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 3rd पोजीशन पर आई है डेमलर,
डेमलर को आप इस नाम से नहीं जानते होंगे, असल में इसका जो पॉपुलर नेम है वो है मर्सिडीज बेंज। इस कंपनी ने 2020 में पूरी दुनिया में 1,54,309 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1,35,000,00,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, जिसने 2,09,985 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है 2020 में पूरी दुनिया के अंदर। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपीज़ होते हैं। टोयोटा इंडिया में भी काम कर रही है और यहाँ पर इसकी फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियाँ काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों की बात की जाए तो वो आती हैं, चले जाती हैं, कुछ नई भी आती हैं तो वो चलती नहीं हैं। इसलिए अब इसने सुजुकी के साथ हाथ मिला लिया है और उनकी गाड़ियों को अपना लोगो लगाकर लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप के अंदर डायहाट्सू, हिनो, लेक्सस, रेंज जैसी कंपनियां भी काम करती हैं। और अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी के बारे में, या फिर कहूं ग्रुप के बारे में, तो वो है फॉक्सवैगन ग्रुप। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, कई सारी पॉपुलर कार कंपनीज इस ग्रुप के अंडर काम करती हैं, जैसे कि ऑडी, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सिएट, स्कोडा और डुकाटी। वैसे तो इसने रोल्स रॉयस को भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई, तो हाल फिलहाल रोल्स रॉयस बीएमडब्ल्यू वालों के पास है। इस कंपनी ने 2020 में 2,22,884 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपीस का। पिछले साल 2019 से कंपेयर किया जाए तो ये 12% कम है। तो ये था पूरा डेटा जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।